जाता है आपकी वर्कशीट नंबर 24, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इस वाले वीडियो में सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले, उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कुछ आंसर्स को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज, यानी आपने जो पैसेज पढ़ा उसके बिना पर राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, वेयर वाज द पंचायत हेल्ड सेम इवनिंग, सेम इवनिंग को पंचायत कहाँ पे, जो पंचायत थी वो कहाँ पे हेल्ड की गई, कहाँ पे बुलाई गई। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, यानी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत को बुलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय हुम, यानी कि जो पंचायत का हेड बना बैठा था वो कौन था और पंचायत को नॉमिनेट किसने किया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंचायत, यानी कि जो मेरी आंटी है उन्होंने ही बनाया था और मैं उनके जो उसका फैसला है उसका आदर करता हूँ, क्योंकि पंचायत जो है, जो पंच होते हैं वो ना तो फ्रेंड होते हैं और ना ही एनिमी यानी कि दुश्मन होते हैं। कर सकते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू हुम, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं नीचे दिए गए किसने कहे और किससे कहे। तो पहला लिखा है, द पंच नोन नेदर फ्रेंड्स और नॉन एनिमी, यानी कि जो पंच होते हैं ना ही वो दोस्त होते हैं और ना ही वो दुश्मन होते हैं, वो सिर्फ सच का साथ देते हैं, ये किसने कहा था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जुम्मन सेड टू अलगू चौधरी, यानी ये जुम्मन ने कहा था अलगू से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है, आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी कि जो मैंने कहा सब मैंने किया, ये किसने कहा था। चलिए देखते हैं। इसका आंसर भी आप यहीं से लिखेंगे, जुम्मन सेड टू अलगू चौधरी, यानी ये भी जुम्मन ने कहा था अलगू चौधरी से। अब देखिए यहाँ आपका लास्ट दिया है, व्हाट हैव यू टू से इन द योर डिफरेंस, यानी अब तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, ये किसने कहा था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि अलगू चौधरी ने कहा था जुम्मन से। ठीक है, ये अलगू चौधरी ने कहा था जुम्मन से कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ठीक है, तो अब आपको करेक्ट मीनिंग ढूंढनी है जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है एन आर्गुमेंट टू सपोर्ट ऑफ समथिंग, यानी वो आर्गुमेंट जो आपने किसी के सपोर्ट में कहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या, डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है अचूज और जजमेंट। ठीक है, और उसके बाद कंसीड्स का मतलब होता है साइंस। ठीक, अब यहाँ देखिए लिखा है जो ये, इसका मतलब तो यही होता है आपका फाइट फॉर अ केस। ठीक है, यानी कि डिफेंस। ठीक है, उसके बाद जो आपका डिसीजन है उसका क्या मतलब होता है, जजमेंट करना है ना, तो इसका आंसर होता है मोरल साइंस। ठीक है, जो आपको समझ में आ, और साइंस का होता है वर्क टू क्विकली। तो इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो अच्छी वीडियो कभी कपन करते हैं, अच्छी वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।